नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी की क्लास में एक नई इकाई की बात करने वाले हैं और उसका नाम है क्रांतिकारी शेखर का बचपन। तो ये टाइटल से ही पता चलता है कि क्रांतिकारी शेखर यानी कि आजादी के समय की यह घटना होगी, किस प्रकार उस समय अलग अलग आंदोलन के माध्यम से हमारे देश को आजादी दिलाने में ढेर सारे अनगिनत लोगों ने अथक मेहनत से प्रयत्न से हमें यह आजादी दिलाई है। ये शेखर चंद्रशेखर आजाद की यहां आजाद की बात नहीं कर रहे, एक ऐसा पात्र है जो बचपन से ही क्रांतिकारी विचारधारा अपने जीवन में दिखाता है। इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका उपनाम अज्ञेय है। इनकी तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। अज्ञेय जी लिखित उपन्यास के एक छोटे से अंश को हमारे सामने यहां प्रस्तुत किया गया है। अज्ञेय जी की बात करें तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में उन्होंने काम किया है। देखिए, विदेश में जाकर, कैलिफोर्निया जाकर, वहां भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य के प्राध्यापक के तौर पर उन्होंने वहां काम किया है और ऐसे विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। उनके विचारों में विद्रोह है, विद्रोह देश के प्रति नहीं, अंग्रेजी खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ रहे हैं उनके विचार, और विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका कोई भी साहित्य आप पढ़िए, कहानी हो, निबंध हो, उपन्यास हो, उनमें आजादी की वो ललक, आजादी की वो चाहत आपको दिखाई देगी जो हमारे क्रांतिकारियों में थी। ये अपने शब्दों से लोगों के अंदर वो जज्बा, वो उम्मीद जगाते थे आजादी प्राप्ति के लिए, ताकि लोग निरस होकर अपने घरों में न बैठे, उनमें भी एक जज्बा हो काम करने का, किसके लिए, देश के लिए। ऐसे जज्बे वाले लेखक थे। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद जी है वह हिंदी साहित्य सम्राट है, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। उनके जैसे उपन्यास यथार्थवादी सत्यपरक उपन्यास कम लिखे गए हैं उनके जैसे लेखकों को। यहां अज्ञेय जी के लेखक भी यथार्थवादी उपन्यासों में से है, यानी कि जो समाज में हमें दिखाई दे रहा है। अज्ञेय जी के समय में जैसा वातावरण था वैसा वातावरण उनके शेखर एक जीवनी उपन्यास में देखा गया है। और उनकी काव्य रचनाएं देखिए, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर एक क्षण भर, बाबरा अहेरी, अरयोग करुणा प्रभामय, ये उनके कविता संग्रह, उनमें भी आजादी की वो ललक, वो विचार आपको उनमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें अज्ञेय जी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला गया। अब आंगन के पार द्वार के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कितनी नाओं में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, देखिए अलग अलग पुरस्कारों से भी उनको सम्मानित किया गया है। नदी के द्वीप उनके फेमस काव्य संग्रहों में से, कविता संग्रहों में से एक है। शेखर एक जीवनी दो भाग है, भाग एक जिसका नाम है उत्थान और दूसरा भाग जिसका नाम है संघर्ष। हमें प्रथम भाग याद रखना है क्योंकि शेखर का बचपन, क्रांतिकारी शेखर का बचपन जो इकाई हम पढ़ने वाले हैं वह कौन से भाग से है, तो के भाग एक यानी कि उत्थान भाग से लिया गया है। यह उपन्यास 1940 में लिखा गया है और बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र इसमें चित्रित किया गया है। प्रथम भाग में बचपन से लेकर कॉलेज तक का चित्रण शेखर का इस प्रथम भाग में दिया गया है। शेखर का जीवन दर्शन स्वतंत्रता की खोज की लक्षित है। स्वतंत्रता प्राप्ति किस प्रकार मिल सकती है वो इन दोनों उपन्यासों में चित्रित किया गया है। वह लील पर चलने वाला नहीं है, लील यानी कि नियम, वह नियम पर चलने वाला नहीं है, वो अपने नियम स्वयं बनाता है।
अपने जीवन के नियम स्वयं बनाकर उस पर चलने वाला है, वो झूठे अंधविश्वास के ऊपर चलने वाला व्यक्ति नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। बचपन से ही उनके दिमाग में इस प्रकार की बातें घर कर गई थी कि मेरा देश है, मेरे देश के लिए मुझे कुछ करना है। क्रांतिकारी भाव था, बचपन से ही था। वहां ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीजों का चाहत है। विदेशी चीजों को वह नकारता है और स्वदेशी चीजों को वह प्रेम करता है। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन से उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में संकलित किया गया है। छोटे से अंश में उपन्यास अंश, इसका साहित्य प्रकार होगा उपन्यास अंश। इसमें दो बातें हैं, विदेशी चीजों के प्रति घृणा, स्वदेशी चीजों के प्रति प्रेम सहानुभूति। दूसरी बात, अंग्रेजी भाषा के लिए घृणा है, नफरत है, और हिंदी भाषा के लिए प्रेम है। दोनों चीजें आपको इस छोटे से उपन्यास अंश में देखने को मिलते हैं। तो आइए चले हम शेखर का बचपन देखें। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। विदेशी चीजों का बहिष्कार हुआ था और स्वदेशी चीजों को अपनाने की बात गांधी जी ने कही थी। अब असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। असहकार का आंदोलन हुआ 1940 में, तब पूरा देश उसमें बहकर चला गया था। यानी कि पूरे देश में असहकार का, असहयोग का आंदोलन हुआ था, पूरा देश उसमें सम्मिलित हुआ था। शेखर भी बहने की चेष्टा करने लगा, शेखर भी उस आंदोलन में चलने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन लगा जब वह बह नहीं पाया तब हाथों से लेकर अपने को बहाने लगा। शेखर को भी आंदोलन का हिस्सा बनना था, लेकिन घर से अनुमति नहीं थी, तो अपने हाथों से, अपने विचार के आधार पर, अपने मुताबिक, अपने शक्ति, अपने बल, अपने मन के मुताबिक वह अपने आंदोलन में, अपने उस स्वदेशी आंदोलन में जुड़कर भाग लेता रहा था। यानी कि जब बह नहीं पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। खेकर यानी कि जो नाव का चप्पू है, इस प्रकार नाविक अपने दोनों हाथों से वो चप्पू को चलाता हुआ नाव को खेकर आगे ले जाता, उसी प्रकार शेखर ने अपने दोनों हाथों से अपने शक्ति के मुताबिक वह आंदोलन में हिस्सा लेने लगा था। उसने विदेशी कपड़े उतार दिए, उनके पूरे घर में विदेशी संस्कार पाए गए थे, तो विदेशी कपड़े उतार दिए और जो दो चार मोटे देसी कपड़े थे उसके पास खादी के, वो पहनने लगा। अब उसके पास ज्यादा नहीं थे स्वदेशी कपड़े, विदेशी ढेर सारे थे, स्वदेशी दो तीन थे। और अब क्या हुआ, घर से घूमने, बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया था, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं थे कि वह बाहर जा सके, कुछ ही कपड़े थे, इसलिए बाहर आना जाना छोड़ दिया। अब घर पर ही बैठकर उसने क्या किया, आंदोलन का हिस्सा बनने का ठान लिया था। प्रायः दोपहर को वहां क्या होता है, तो कि वहां ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता, दूसरी मंजिल पर जाकर वहां बाहर की ओर जहां बाजार का रास्ता है वहां जाकर खिड़की के बाहर देखता दोपहर में। और वहां क्या होता, कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार, एक साथ आवाज आती, नारों की उस तक पहुंचती, क्या था, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। जब ये सूत्रोच्चार होता था बाहर से, उसके कानों में जब ये आवाज पहुंचती थी तब उसके प्राण पुलकित हो उठते थे, अत्यंत आनंद की लहर उसके शरीर पर छा जाती थी। तब वह अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। इस प्रकार से वह अपने आप को उस आंदोलन का एक हिस्सा मानने लगा था, या अपने आप में वह योगदान इस प्रकार दे रहा था। अब इससे आगे वह जा नहीं सकता था, घर के बाहर जाकर आंदोलन में हिस्सा ले सकता नहीं था, क्योंकि उसके पास स्वदेशी कपड़े नहीं थे और घर से अनुमति नहीं थी बाहर जाने की। अब देखिए, अनुमति का न होना ही एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित करता। देखिए, एक ऐसा सुविचार भी है, एक अच्छा सुवाक्य भी है कि अनुमति न होना, शेखर को घर से बाहर जाने के लिए अनुमति नहीं थी, तो क्या करेगा, घर के अंदर रहकर आंदोलन में हिस्सा लेगा। यानी कि अनुमति नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपने हिसाब से घर पर रहकर भी उस आंदोलन में अपना योगदान दे सकता हूं। यानी कि दूसरा मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित कौन करता है, अनुमति न होना। कभी कभी हमें पाबंदी मिलती है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है, तो वो पाबंदी हमें सकारात्मक लेनी है,
जिस प्रकार शेखर ने लिया है, शेखर को भी पाबंदी थी घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, सकारात्मक सोच ली कि नहीं, अगर मैं वहां नहीं जा सकता तो क्या मैं अपने हिसाब से उसका समर्थन नहीं कर सकता क्या? कर सकते हैं, बस हमारी सोच उस प्रकार की होनी चाहिए। तो शेखर ने यहां यही किया, प्रेरणा मिली कहां से, अनुमति न होने से। बस हमें भी जीवन में यही करना है, कुछ चीजों की हमारे पास अनुमति नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, अनुमति नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता हमें मिल सकता है अगर सही दिशा में हमने सोच लिया तो। अब मां के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए थे, कोई नहीं घर पर, उसने क्या किया, अपने सारे, मां ऊपर के कोठे पर बैठी हुई थी, दूसरी मंजिल पर बैठी हुई थी, शेखर ने घर के सारे कमरों में जाकर क्या किया, विदेशी कपड़े बटोरे और आंगन में ढेर कर दिया। अब फिर लगा दिया, फिर लैंप लाकर, लैंप मिट्टी का जिसे हम फानस कहते हैं, तो लैंप लाकर, लालटेन हिंदी में उसे कहते हैं, मिट्टी के तेल वाला लैंप लाकर उस मिट्टी से, उसमें से मिट्टी का तेल निकाला, उड़ेला, और तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, तेल का पीपा था, तेल का पीपा यानी कि केन बड़ा सा, लेकिन वो नौकरों के कमरों में था तो वहां से तो मिल नहीं सकता था, इसलिए क्या किया, लालटेन लाया, उसमें से मिट्टी का तेल उड़ेला, इस पर विदेशी कपड़ों के ढेर पर जो आंगन में कर दिया था, और उसके बाद क्या हुआ, आग लगा दी। देखिए, घर पर आग लगा दी, आंगन में विदेशी कपड़ों के लिए, तो अपने हिसाब से वहां योगदान का सहयोग दे रहा था, अपना योगदान दे रहा था। आग एकदम भभक उठी, तेज हो गई, शेखर का आह्लाद भी भभक उठा, उसको भी अंदर से इतना आनंद हुआ कि वाह, मैंने काम कर दिया, मैंने कुछ किया, देश के लिए कुछ किया है। उसके चारों ओर आग के चक्कर काटने लगा, नाचने लगा और सूत्रोच्चार करने लगा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी देर में मां आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन देर रात हो गया था। मां आई, आग के नजदीक गया था, चारों ओर घूमने लगा था, तो आग की तपस के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था, और शायद मां ने यह सारा दृश्य देखा तो दो तीन तमाचे भी शायद लगा दिए हो, यानी कि उसके गाल भी लाल हो गए थे, यानी कि थप्पड़ भी खाने पड़े थे शेखर को इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन उसका बुरा उसे लगा नहीं, उसने विदेशी सामान का बहिष्कार किया है और अपने हिसाब से उसमें अपना सहयोग दिया, सहकार दिया। अब दूसरी चीज आती है, भाषा की बात आती है। शेखर के मन में विदेशी मातृत्व के प्रति घृणा हो गई थी, नफरत हो गई थी, विदेशी किसी भी चीज, भाषा, सबके प्रति नफरत हो गई थी। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ था। बचपन से ही शेखर ने अंग्रेजी में बोलचाल, अंग्रेजी रहन सहन, अंग्रेजी रीतबात सब कुछ सीखा था, स्वदेशी कुछ नहीं सीखा था, इसलिए अब उसमें उसको घुटन सी महसूस होने लगती है। अपने ही घर में उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी, कि वह देखने लगा, उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता ने उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने के लिए कहा करते थे, घर में अंग्रेजी की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहते थे, अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में बातचीत करो, और अंग्रेजी लोगों की तरह खान पान, रहन सहन आदि रखा करो, कि वह शैशव से ही अंग्रेजी बोलना जानता है पर हिंदी अभी सीख रहा है, हिंदी अभी सीख रहा है लेकिन अंग्रेजी बचपन से ही बोल रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी, क्रिश्चियन थी, अंग्रेजी थी और अंग्रेजी ही बोला करती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था वह अमेरिकन मिशनरी था, वो भी एक अमेरिकन अंग्रेजी था, और वो जो है कुछ भी पढ़ाता या कुछ नहीं, वो सब कुछ किसमें होता था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा देता रहता था, सब कुछ अंग्रेजी में होता था, दूसरी भाषा का प्रयोग होता नहीं था, और हिंदी अभी अभी सीख रहा था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ है। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। उसने सोचा कि मातृभाषा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, जो हम बचपन से सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा है। तो शेखर को याद आ गया कि मैं तो बचपन से अंग्रेजी भाषा बोल रहा हूं, तो क्या मेरी मातृभाषा अंग्रेजी है, विदेशी है? उसका आत्माभिमान ठेस पहुंचे, बहुत बड़ा धक्का लगा उसे कि क्या मेरी मातृभाषा अंग्रेजी है, विदेशी है, क्या मैं विदेशी हूं?
ये यक्ष प्रश्न उसके मन में जाग उठता है। अब उसी विदेशी को मां कहने में बाध्य हो, क्या मैं अपनी उस भाषा को अंग्रेजी को मां कहूं, मातृभाषा मानू? नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ कर दिया, अपने आप हिंदी पढ़ना आरंभ कर दिया, क्योंकि हिंदी के लिए कोई विशेष शिक्षक रखा गया नहीं था, और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। चेष्टा, प्रयत्न से बोलचाल की भाषा में अपने हिसाब से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कम होने लगा और उसकी जगह हिंदी शब्दों ने ले ली है। धीरे धीरे ये सारी चीजें धीरे धीरे अकेले में करने लगता, अपनी आदतों में से भी विदेशी अभ्यासों को वह दूर करने लगता है। अपनी सारी आदत, रहन सहन, बोलचाल सब में वह विदेशी व्यवहार को धीरे धीरे काटता चला जा रहा है और उसकी जगह हिंदी सभ्यता संस्कृति को अपने अंदर ढालने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन कैसे? अपने हिसाब से, किसी की सहायता मिल सकती नहीं है, क्योंकि पिताजी अंग्रेजी के हिमायती है इसीलिए, और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, घर में हिंदी का प्रयोग कर नहीं सकता था, क्योंकि पिताजी का हुक्म था अंग्रेजी में बोलचाल कर, बातचीत अंग्रेजी में करनी है, रहन सहन सब कुछ अंग्रेजी में करना है, उसके पास और कोई साधन नहीं था, तो क्या करेगा? जब आपके पास कोई भाषा का ज्ञान है लेकिन आप उसे बोल नहीं पाते, तो क्या कर पाते हैं? आप उसे लिखने का प्रयत्न करते हैं। तो बस यही हुआ, यही क्या हुआ, प्रकट करने के लिए उसे एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया, राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया, नाटक अपने हिसाब से, छोटा सा बालक है क्या लिखेगा, बस अपने हिसाब से ताने बाने कहानियों के बुनकर एक छोटा सा नाटक लिखने का आरंभ किया। जीवन में देखे एकमात्र खेल की स्मृति, नाटक की स्मृति अभी ताजी थी, इसलिए उसने लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई, एक नाटक देख रखा था, इसलिए नाटक किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार के पात्र, संवाद आदि उसने देख रखा था, इसलिए लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथिया ली थी, किसी नाटक से उठा ली थी, बस थोड़ा सा मामूली परिवर्तन उसमें से कर दिया था। अब उसके बाद नाटक आरंभ हुआ, एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, एक स्वाधीन यानी कि स्वतंत्र भारत, लोकतंत्र भारत, स्वाधीन स्वतंत्र लोकशाही भारत का विराट स्वप्न, विशाल स्वप्न था तब, न तो बांग्लादेश था अलग, न पाकिस्तान अलग, तब विराट भारत का स्वप्न था, जिसके राष्ट्रपति कौन है? गांधी जी है, और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई। सिद्धि देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए दो ही साधन है, कौन से? तो कि अनवरत कताई और बुनाई, लगातार आपको कातना है, रुई को कातना है और उसी काते हुए रू से, धागे से आपको बुनाई करनी है, कपड़ा बनाना है, यानी कि स्वदेशी कपड़ा बनाना है, उसके व्यापार से ही हमारे देश का विकास हो सकता है, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना, विदेशी माल चाहे कोई भी हो, माल और व्यक्ति दोनों का बहिष्कार करना है, सामान का भी और व्यक्तियों का, दोनों का बहिष्कार करना है, अगर कोई एक मारे तो दूसरा गाल आगे कर देने की बात यहां आती, जो गांधी जी के विचार है। देखिए गांधी जी का प्रभाव शेखर के ऊपर बचपन से ही है, अहिंसावादी है वह। अब सत्य, राजा हरिश्चंद्र का इंद्रलोक, राजा हरिश्चंद्र का जो इंद्रलोक है, सुखलोक है, वहां आरंभ से हटकर अंत में आ गया, यानी कि शुरुआत से लेकर अब अंत में आ चुका है, नाटक का अंतिम भाग आ चुका है। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर, जिस प्रकार सूर्योदय होता है उसी प्रकार सूर्यास्त के समय टापू के ऊपर सुनहरी प्रभात, सुनहरा प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार शेखर के मुख पर भी, शेखर के मस्तिष्क पर भी स्वतंत्रता का वह सुनहरे टापू की छाप लेकर सूर्यास्त देखने को मिलता, नाटक में देखने को मिलता है। और शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन, स्वाधीन यानी कि स्वतंत्र हमारे अधीन और बाधाहीन, बिना किसी समस्या के एक भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न, बहुत बड़ा विशाल भारत जो आजाद हो चुका था। नाटक की कल्पना की, उसकी रचना की, किस भाषा में? हिंदी में की है, अकेले ने की है। अब क्या, नाटक तो पूरा हो गया, शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की। देखिए लेखन करे तो जल्दी जल्दी में करना पड़ता है, क्योंकि जो विचार है वह एक के बाद एक आते रहते हैं, आते रहते हैं, तो पूरा जो जैसे पुराने विचार हमें याद भी नहीं रहते, इसलिए क्या होता है, लिखने में जल्दी करनी पड़ती है।
उसके बाद एक अच्छी लिपि से, सुंदर स्याही से उनकी एक प्रतिलिपि, उनके जैसे एक दूसरी अच्छे अक्षरों से एक नाटक दोबारा लिखा। अब उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया, ढेर सारे उसके पास पुस्तक से उसके नीचे छिपा कर रख दिया। क्यों रख दिया? पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति, यानी कि इसके पहले भी उसने हिंदी में कुछ लिखा था, उसको उस घटना के बारे में याद है शेखर को कि मैंने दिखाई दी सबको तो क्या हुआ, पिताजी ने फाड़ कर फेंक दिया था, डांट पड़ी वो अलग से, नहीं इस बार ये गलती करेगा नहीं शेखर, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं, माँ शारदा को भी नहीं दिखाया, छिपा कर रख दिया, वरना कोई इसे भी फाड़ कर और डांट पड़ती वो तो अलग से। और हर समय जब जहां वहां जाता उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती कि मैं शेखर हूं, एक अमूल्य, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक ऐसा नाटक लिखा है बिना किसी की सहायता से, मदद से, और क्या है, मैं शेखर, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता से अपने हाथों से उसका निर्माण किया है, स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का, मैंने अपने मन में गर्व महसूस करता है कि नहीं मैंने किसी की सहायता नहीं ली, मैंने अपने आप अपने हाथों से ही एक स्वतंत्र भारत का स्वप्न देखा है, उसका स्वप्न मैंने अपने नाटक में पूरा किया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो इस प्रकार से वह अब आगे का काम करता है। अब एक और घटना हमारे सामने आती है कि शेखर के पिता एक दिन उनके दौरे पर जा रहे थे, अधिकारी होंगे शायद दूसरे दौरे पर जा रहे थे, और बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता पुत्र दोनों वेटिंग रूम के बाहर टहलने निकले थे। पिता आगे चल रहे थे और शेखर धीरे धीरे उनके पीछे पीछे जा रहे थे। पास में एक लड़का आया, शेखर की ओर उन्मुख होकर उसके सामने आया अचानक और अंग्रेजी में बोलने लगा। अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ पर तो हिंदी में दिया गया है लेकिन अंग्रेजी में बोला था कि व्हाट इज योर नेम। शेखर ने सिर से पैर तक देखा, नक्शिक देखा, ऊपर से ऐसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, अंग्रेजी कपड़े पहने थे, सिर पर अंग्रेजी टोपी, और उसके स्वर में अहंकार था, अभिमान था कि मैं अंग्रेजी जानता हूं। गए शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। देखिए शेखर के सामने वह अंग्रेजी का ज्ञान झाड़ता था, अभिमानी था, ये उनको अंग्रेजी आती है इस बात का अभिमान था उसको, लेकिन उसे यह नहीं पता कि शेखर तो बचपन से अंग्रेजी अच्छी बोल लेता है। आगे क्या शेखर ने क्या सोचा उसके बारे में? शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा, क्योंकि शेखर अब अंग्रेजी बोलेगा नहीं, लेकिन पिताजी सामने है तो और कुछ भी बोल सकता नहीं है, अंग्रेजी बोलना चाहता ही नहीं था शेखर अब, इसलिए अपमान लगा उसे। ये भारतीय होकर एक विदेशी भाषा बोल रहा है, विदेशी कपड़े पहने हुए हैं। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिताजी थे और पिताजी की उपस्थिति में बात करने में वह झिझकता था, शर्माता था, थोड़ा सा साई था, पिताजी के सामने वह किसी के साथ खुल के बात नहीं कर सकता था, डरता था पिताजी से, इसीलिए और कुछ नहीं। इसलिए वह दो बातें थी, एक वह उत्तर देना नहीं चाहता था क्योंकि सामने वाला अंग्रेजी का रुआब दिखाना चाहता था, दूसरा पिताजी के सामने किसी और के साथ बात करने में उसे डर लगता था, झिझकता था, हिचकिचाता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, उसे लगा कि इसको अंग्रेजी आती ही नहीं शेखर को, इसलिए और रुआब से बोला, यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं है, उसने तनिक और रोब में कहा, माय नेम इज, डू यू गो टू स्कूल, आदि ढेर सारे सेंटेंस अंग्रेजी में उसने बोल दिए, मेरा नाम ये है, तुम स्कूल में पढ़ते हो, आदि आदि ढेर सारी बातें एक साथ कह जा रही। शेखर के पिताजी वहां न होते, शेखर के पिताजी अगर वहां न होते तो वह प्रश्न का उत्तर देता, लेकिन कौन सी भाषा में देता आप बोलिए, बोलिए आप कौन सी भाषा में शेखर उत्तर देता? ओके, अंग्रेजी में देता, अंग्रेजी में देता ना, नहीं हिंदी में देता, कुछ उत्तर तो अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठी दुहा रहा है, अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, उस लड़के को अंग्रेजी उतनी आती भी नहीं थी, उसका जो बोलने का लहजा था, जो टोन था भाषा बोलने का, वो भी मामूली था। शेखर अंग्रेज व्यक्ति से अंग्रेजी सीख रहा था, इसलिए उसकी अंग्रेजी और सामने वाले लड़के की अंग्रेजी में जमीन आसमान का अंतर था।
शेखर को लगा ये तो कोई अंग्रेजी का पाठ दोहरा रहा हो, पढ़ रहा हो अंग्रेजी, ऐसे बोल रहा है। लेकिन शेखर अंग्रेजी बोल तो सकता नहीं, क्योंकि वहां उसके मन में क्या है, अंग्रेजी के प्रति घृणा है, हिंदी के प्रति लगाव है, लेकिन हिंदी में कुछ बोल नहीं पाएगा क्योंकि पिताजी सामने खड़े थे, पीछे थे। अब उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया, नफरत भरी आंखों से देखा, उत्तर कुछ नहीं दिया, बोला ही नहीं कुछ। पिताजी थोड़े से क्रुद्ध हो गए, गुस्से में कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए ही मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। पिताजी को गर्व महसूस होता अगर अंग्रेजी में शेखर जवाब देता तो, कि पिताजी को पता है, शेखर के पिताजी को पता है कि उनके सारे लड़के अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल सकते हैं, उनसे भी अच्छी, लेकिन यहां उत्तर नहीं दिया तो थोड़े से क्रोधित हो गए और बोले कि उत्तर क्यों नहीं दिया। स्वाभाविक है, अपने बेटों के प्रति गर्व महसूस कराने के लिए कि मेरा बेटा जानता है अंग्रेजी, लेकिन शेखर ने यह मौका गंवा दिया। शेखर और भी चीट गया और चुप हो गया, वह लड़का मुस्कुराकर आगे चला गया। अभिमानी था ना, अभिमान में अंग्रेजी का अभिमान था, वो चला गया। अब पिता ने कहा इधर आओ, शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में चला गया। पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है क्या, बोले क्यों नहीं कुछ, इतनी अंग्रेजी सीख रखी है, इतनी अंग्रेजी अच्छी आती है तो बोला क्यों कुछ नहीं। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से बच गया, और उत्तर न देने की गुस्ताखी गुनाह से भी बच गया। दो बातें हुई, पिताजी को उत्तर देना जरूरी था, और उत्तर देता तो कौन सी भाषा में देता, हिंदी में देता, दो गुनाह से बच गया शेखर, दो गुस्ताखियों से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिताजी ने मां से कहा कि हमारे सारे लड़के तो बुद्धू है, हमारे लड़के तो बुद्धू है, किसी के सामने बोल ही नहीं निकलता उनका अंग्रेजी में। शेखर ये सुन लिया और मन ही मन मुस्कुराता है, और चलो अपना अभियान सफल रहा, मैंने अपना योगदान दे दिया। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास का पहला भाग से अंश लिया गया है छोटा सा, तो हमने शेखर के बचपन की घटना देखी। अब आपके लिए एक छोटा सा स्वाध्याय है, इसमें एक वाक्य के उत्तर और सविस्तर उत्तर ये आपको अपनी FB में लिखने हैं और याद करने का प्रयत्न करना है।